हेलो दोस्तों, आपका इस हमारे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके साथ कद्दू की पकौड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने पहले से ही कद्दू को घिस के रख रखा है। अब इसे हम एक बर्तन में ले लेते हैं। ये 250 ग्राम कद्दू है, इसको हमने घिस लिया है, इसका बीज निकाल के। अब इसमें हम 3 छोटे छोटे आलू, वो भी हमने घिस के रखे, उसको भी इसमें मिक्स करेंगे। अब इसके बाद हम अदरक लहसुन मसाले का पेस्ट बना कर रखे हैं, इसे भी इसमें हम डाल देंगे। कद्दू बहुत फायदेमंद होता है और ये खाने में भी इसका पकौड़ी बहुत टेस्टी लगता है। आप प्लीज़ हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब इसमें हम धनिया की पत्ती मिक्स करेंगे। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, आमचूर पाउडर। अब इसमें हम बेसन डाल देंगे छन्नी से छान के, कि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इधर हम गैस पे कढ़ाई रख देते हैं गर्म होने के लिए। गैस का फ्लेम हमने इतना तेज रखा है। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे पकौड़ियों को तलने के लिए। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप तेल को अच्छी तरह चारों तरफ उसमें लगा लीजिए, इससे पकौड़ियाँ चिपकेगी नहीं। आप देख सकते हैं हमारा ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब तेल हमारा हीट हो चुका है, इसमें हम पकौड़ियों को डालेंगे। इसी तरह हम सारे पकौड़े डालेंगे। हमने सारी पकौड़ियाँ डाल ली हैं, इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी पकौड़ियाँ अब गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों, अब हमारी पकौड़ी बनके तैयार हो गई है। आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।